अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन चैनल फूड सीक्रेट्स विद आशी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं स्टीम चरगा बनाने की रेसिपी, वो भी बिना ओवन के। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी और आप लोग ट्राई भी करेंगे। बिना ऑयल के है ये, जो ऑयल फ्री खाने को पसंद करते हैं। आप चाहें तो फ्राई करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल फ्री बनाया। तो इस तरह से ये एक चिकन का पीस लेके आए हम। ये ऑलमोस्ट साफ़ ही होता है, तो लेकिन उससे पहले हम इसको, मैंने तकरीबन इतना पानी लिया है पतीले में, 4 से 5 गिलास पानी है, कि उसमें चिकन को डिप कर दिया है। तो ये मैं 3 आवर्स के लिए इसमें रखूँगी डिप करके। एक मैं 2 लेमन लिए हैं, बड़े साइज़ का लेमन है तो मैंने एक ही डाला है। अगर आपका थोड़ा रस कम है तो 2 डाल सकते हैं लेमन। तो लेमन को इसमें निचोड़ के इसके जो छिलके हैं वो बाद में आप इसमें ही शामिल कर दें। साथ में हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच वेनीगर और सिरका, जो भी आपके पास अवेलेबल हो लाजमी डालें। और दूसरा इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक। और उसके बाद हम इसको 3 घंटे के लिए रख देंगे, भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। आपके आपने चिकन रखा है, ढांप के रख दें इसको, उससे ये होगा कि इसके अंदर से सारे जम्स रिमूव हो जाते हैं, जो थोड़ा बहुत ब्लड रह जाता है वो निकल जाता है सिरका डालने से, नमक डालने से। तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। आप चाहें तो इसको कट लगा के भी इसमें रख सकते हैं, कि कट लगा के अगर इसमें पानी में डिप करके रखेंगे तो चिकन जो है वो नमक उसमें जज्ब हो जाएगा चिकन के अंदर ही। तो दूसरी तरफ मसालों की तरफ आते हैं। मसालों में जो चीज़ें ली हैं वो मैंने ली है लाल कुटी हुई मिर्च और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर थोड़ा सा लिया है, चाट मसाला, गरम मसाला और खुश्क धनिया, और इसमें लहसुन अदरक का पाउडर है अगर आपके पास तो आप वो शामिल कर लें, लेकिन मैंने नहीं डाला। मैं फ्रेश पेस्ट डाल रही हूँ लहसुन का भी और अदरक का भी। और इसमें मैं एक अदद लेमन मैंने लिया है। एक ही लेमन आपने शामिल करना है, ज़्यादा नहीं डालना इसमें। और साथ में इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच दही के शामिल करूँगी। दही आप इतना, क्योंकि हमने इसको थोड़ा थिक ही रखना होता है, तो ज़्यादा इसको वो चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब दही ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, कि आप आधा कप डाल दें तो उससे ज़रा मसला हो जाएगा, पतला नहीं चाहिए हमें। और इसमें जाएगा 1 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच केचप और 1 चम्मच सोया सॉस का। और वेनेगर डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने लेमन डाल दिया है। और इसमें अब 2 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा ही मैंने दही का शामिल किया इसमें ना, तो उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये अब मैं मिक्स बाद में करी क्योंकि जो चिकन है वो मुझे 3 घंटे पहले मैंने भिगो के रखा था, 3 घंटे हो चुके थे, तो उसके बाद ये मैंने मसाला बनाया, इसको बना के रखने की ज़रूरत नहीं है। तो चिकन जो, इसको अब अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे। 3 घंटे हो चुके हैं, आप चाहें तो ज़्यादा देर भी रख सकते हैं। देखिए चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है, और इसको अच्छे से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद हम इसको कट लगा लेंगे। जो मसाले थे उसमें मैं पहले नमक डालना भूल गई थी, तो मैंने बाद में उसमें थोड़ा मिक्स करने के बाद मिक्सर में थोड़ा नमक डाला है टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि नमक मैंने कम ही रखा, क्योंकि नमक मैंने चिकन में पानी जब डाला है डिप करके रखा है तो उसमें भी डाला था, तो इसलिए मैंने नमक जो है वो कम ही डाला है, मैं भूल गई थी पहले, तो इसलिए बाद में मैंने शामिल किया। तो मैंने सोचा बता दूँ साथ ही। चिकन को मैंने थोड़े कट जो हैं वो गहरे लगाए हैं। गहरे कट लगाने से ये है कि वो जब आप मसाला उस पर लगाएंगे तो वो अंदर तक उसके जज्ब होगा। उसके बाद भी आप उसको 3 घंटे रखना, जो मैंने वैसे 3 घंटे के लिए इसके बाद मसाला लगा के रखना है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा देर, पूरे दिन के लिए भी रखना चाहें तो वो और अच्छे से हो जाता है। तो मैंने मिर्चें वगैरह इतनी तेज़ डाली नहीं है क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी हमें चाहिए नहीं था, तो इसलिए मैंने कम स्पाइसी रखा है। तो आप चाहें तो चिली पाउडर जो है आपका, या ज़्यादा कर सकते हैं, कुटी हुई मिर्च या जो भी आप डालते हैं वो लगा के। तो चम्मच से बस लगाने की ज़रूरत नहीं इतना वो होने की, बस हाथ से ये ज़रा ये कि अच्छे से लगता है, तो मैं इसको हाथ से ही अच्छे से, आप जितने कट लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं तो उसको मैंने रखा, तो ये कट के अंदर मसाले को फिल कर दूँगी मैं। जो इसका जो मसाला बाकी बचे का उसको हमने ज़ाया नहीं करना। उसमें मैं 1 अदद आलू लूँगी, उसको हम काट लेंगे अच्छे से धो के, छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं, उसको छिलके के साथ ही काट के आप उस मसाले में मिक्स करें और इसके अंदर फिल करके और रख दें। फ़िलहाल तो हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे। मैंने ऐसे ही कटिंग बोर्ड के ऊपर ये पड़ा हुआ है, तो ऐसे ही इसको मसाला लगाने के बाद फ्रिज में रख दिया था 3 आवर्स के लिए।
3 घंटे के लिए। तो अगर आप चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन गर्मियां हैं तो ख़राब हो सकता है, थोड़ी स्मेल आ सकती, तो इसलिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो 3 घंटे हो चुके हैं, ये मसाला देखें खुश्क होने वाला हो गया, क्योंकि फ्रिज में पड़ा था तो उस तरह अच्छे से आपको खुश्क हुआ नज़र नहीं आएगा। लेकिन 3 घंटे के बाद अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप पूरा दिन के लिए भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी ही लगे और आपका अच्छा फीडबैक मिले हमें। जो मसाला बचा हुआ था थोड़ा, मैंने इसके ऊपर दोबारा से थोड़ा एक कोट कर दिया है, और जैसे मैंने पहले आपको बताया आलू को इस तरह से मैंने बचे हुए मसाले में डाला है, और डाल के उसमें थोड़ा सा लगा के तो इसके अंदर भर के रख देंगे, खाली नहीं होना चाहिए कुछ भी। और साथ सब्ज़ मिर्चें मैंने 3 से 4 अदद ली हैं। सब्ज़ मिर्चें खाई नहीं जाएंगी, लेकिन सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर डाल के जब आप स्टीम करेंगे तो वो सब्ज़ मिर्चों की खुशबू होती है ना, वो फिर इसके अंदर आ जाती है, तो वो ज़्यादा टेस्ट अच्छा निकलता है, खुशबू अच्छी आती है। तो उसके बाद हमें एक फॉइल पेपर चाहिए, उसको डबल से ट्रिपल करके अच्छे से के कवर हो जाए। बड़ा आसान रेसिपी है, घर पर आप कुकर तो आजकल हर घर में ही होता है, तो आसानी से ये बन जाएगा। इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया है, इसको मैं डबल तह लगाऊंगी फॉइल पेपर की जो है, एक दफ़ा इस तरफ से करके दूसरी तरफ से भी कर लें, कहीं से हवा जानी नहीं चाहिए, अच्छे से कवर करना आपने इसको, ये चीज़ ख्याल रखें। तो मैंने 2 से 3 तह लगाए हैं फॉइल पेपर के, और उसके बाद हमने जिस तरफ से इसको नीचे रखना है, ये चीज़ याद रखें कि ये कांटा या आपके पास कोई भी टूथ पिक है या किसी स्टिक के साथ आप इसको थोड़े सुराख कर दें। उससे ये होगा कि जब चिकन स्टीम होगा तो चिकन जाहिर सी बात है पानी छोड़ेगा, तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो पानी अंदर ही रह जाएगा और वो फिर ज़रा थोड़ा ढीला सा अजीब सा होगा, तो स्टीम की आवाज़ चढ़ने का मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने 2 से 3 ग्लास पानी लिया, उसमें मैंने वो स्टैंड रख के इसको 25 मिनट के लिए प्रेशर को लगा दिया था, टोटल 25 मिनट लगाया, जिसमें ये गल गया है चिकन। ये थोड़ा अच्छी वाली जगह से लाई थी तो ये जल्दी से गल जाता है, अगर आप देख लें चिकन को, बस 25 मिनट्स इनफ था, जिसमें 10 मिनट तकरीबन सीटी चली और 5-10 मिनट तेज़ आंच पे, और उसके बाद मैंने 15 मिनट इसको लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाया है। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त, हमारा इसमें कोई पानी नहीं है, ऑयल की ज़रूरत नहीं है और पक चुका है। आप इसको जैसे चाहें पेश कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ये देखें, ये इसको चेक करवाने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी नज़र आ रहा है कि वो इतना अच्छा गल चुका है, और हमारा ज़बरदस्त चिकन स्टीम चरगा जो है वो तैयार है। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा, आपके पास अगर धनिया है तो, मेरे पास धनिया नहीं था तो मैंने थोड़ा सा पुदीना कट करके इस पे रख दिया है, तो आप सलाद के पत्ते या वॉट एवर जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसके साथ इसको पेश कर सकते हैं। कुछ लेमन है वो इसके साथ खाए जाएंगे, आप लेमन को छिलके के साथ खाएं तो वो ज़रा अच्छे भी होते हैं। तो ये मैंने, ये देखें जी, दही के साथ, मैंने इसके साथ कोई रोटी का इस्तेमाल नहीं किया, ये ऐसे ही खाया गया एज़ इट इज़ जैसे बना है, बिना रोटी के, बिना चावल के। तो ये बहुत मज़े का था, लजीज था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगेगा।